अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ किताबों के हवाले से। किताब, किसी तरीके की भी किताब जो हमारी सोच को अच्छा करने के लिए होती है, क्योंकि जब हम अपनी ज़िंदगी में अपनी बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रेस होता है एंड लगा लें बहुत ज़्यादा लोगों ने हमें इतना परेशान किया होता, तब हमारे किताबें जो है ना वो हमारा साथ बनती हैं। वो इस तरीके से कि जब हमसे सब दूर हो जाते हैं तो किताबें हमें बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे अल्फाजों से हमारा हौसला बढ़ाती हैं। हमारा जोश व जज्बा जो होता है हमारी ज़िंदगी गुजारने का, वो बहुत अच्छे तरीके के साथ जो है ना उसको स्टेबल करती हैं। और किताबें चुनना भी बहुत अच्छी बात होती है। किताबें चुनने के लिए भी एक अपनी अकल के साथ किताबें चुननी पड़ती हैं। किस तरीके की किताब होनी चाहिए, ये मेरी ज़िंदगी को नुकसान ना दे, ये मेरी ज़िंदगी के लिए फ़ायदा मंद हो, इस तरह की किताबें चुननी चाहिए। मैं तो एक नॉर्मल सी किताब पढ़ता हूँ, तो उस नॉर्मल सी किताब में बहुत कुछ है। मैं किसी किताब की प्रमोशन नहीं करने लगा, लेकिन कहने का मतलब ये है कोई भी किताब ले लें। आज मैं एक वीडियो देख रहा था रिच डैड और पुअर डैड के बारे में। उन्होंने जो नई किताब ले सकते हैं या किताब नहीं उनके पास है या नहीं उनको मिल सकती, उन्होंने यूट्यूब पे उसकी पूरी वीडियो की, तकरीबन एक घंटा 10-15 मिनट की वीडियो है, उन्होंने पूरी वीडियो जो है ना उस किताब के ऊपर लिखी हुई है। एंड उसके ऊपर लिखी हुई है तो उसका सब A to Z सब बताते हैं उसमें, किस तरह से क्या किया, फिर कैसे वो अमीर बनेगा। उसमें किताबें इंसान की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं। वो अलग बात है कि मोबाइल फ़ोन ने, लैपटॉप ने इंसान की ज़िंदगी इतनी ज़्यादा बना दिया, जिसको कहते हैं तेज़ बना दी है ज़िंदगी, कि किताबें या पढ़ने का लिखने का टाइम ही नहीं इंसान के पास है। और हाँ, एक और बात, हमेशा इंसान को जो बहुत ज़्यादा 90% जो कहते हैं 90% इंसान को जो आते हैं ना ख्यालात आते हैं, वो आते हैं रात के वक्त ख्यालात आते हैं। और अगर आपको बात तंग कर रही है, कोई रात को आपको नींद नहीं आ रही, कोई ख्याल तंग कर रहा है, उठ के उसको एक सफ़े पे लिखें, लिख कर लेट जाए, नींद आ जाएगी आपको। इसी तरीके से जब आपको कभी भी देखेंगे आपको तंगी महसूस हो रही है, तो आप उठकर ख्याल आप लिखे उस पर, क्योंकि रात ख्यालों की माँ है। ये अल्फाज कहेंगे रात ख्यालों की माँ है, इसलिए रात को बहुत बहुत नए आइडियाज आते हैं इंसान के जहन में। तो कोशिश करें कि किताबें पढ़ने की, क्योंकि इससे इंसान की ज़िंदगी बदलने का एक राज है। इंसान अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता है तो कोई ना कोई किताब पढ़ता रहे, क्योंकि इससे इंसान की ज़िंदगी में बहुत से बदलाव आते हैं। अब मैं आपको गिन के नहीं बता सकता कितने बदलाव आ सकते हैं। बाकी खुश रहें, अल्लाह आपको खुश रखे।